हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इसका फिर से शुरू हो गया कि मेरे को जिम नहीं जाना। कीरत जल्दी प्लीज, लेट हो रहे हैं। हर रोज जिम जाने से सिर्फ 15 मिनट पहले शुरू हो जाती है। मेरे को आज जिम नहीं जाना, आज छुट्टी लेने दे। फाइनली मैडम मान गई, तैयार हो गई, हम जा रहे हैं जिम के लिए। आज लगेंगी लेग्स क्योंकि आज है मंडे। तोते उड़ेंगे मैडम फिर से आज। वर्कआउट ऑलमोस्ट डन, बस अब साइकिलिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उसका घर लेंगे। बहुत भूख लग रही है। कीरत के तो रोने निकल गए क्योंकि मैंने कीरत ने अलग अलग वर्कआउट किया, उसे लेग्स किए, मैंने लेग और बाइसेप प्रेसअप किए थे। जिम से फ्री हो गए एंड मेरी तो भाई हवा टाइट हो गई है। किड्स आफ्टर लेग डे। हम सबको जिम जाना पसंद नहीं होता, बट फिर हम खुश भी होते हैं जब हम उन कपड़ों में अच्छे लगते हैं जो हमारे दिल होता है पहनने का। नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजी, मतलब जो भी चीज की आपको तमन्ना है वो आसान होता तो उसकी तमन्ना ही होती। मरियल चल खड़ी हो, मैंने कहा क्या खाएगी, कहती तू तो बोरिंग खाना खाएगा, मैं खाऊंगी कुछ वेरिएशन। कहती है हम है गिल फैमिली से, या तो हम सालों साल चलते हैं या फिर हमारा पटाखा बच जाता है। कल पार्टी पे जाना था, इसने क्या हाल किया घर का देखो, मेरे एक जूते नहीं मिल रहे थे मेरे को, बुरी हालत हो गई घर की। घर इतना हमारा साफ सुथरा रहता है तो हम घर में नहीं होते, जैसे हम घर में आते हैं हमारा घर ऐसे उथल पुथल हो जाता है। मच्छी के अंडे, ये बेसिक सा खाना, और इसने पता नहीं कहाँ यूट्यूब से देख के, इंस्टाग्राम से देख के, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है कुका। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ईटिंग हैवी, यू आर सपोज टू ईट हैवी। हम हेल्दी हैवी खा रहे हैं। हाँ हाँ, चीज भी डाला है, टोमेटो। कैसा लग रहा है गूगले को? मेरे बच्चा। दोस्तों टाइम आ गया तैयार के जाने का, पिकअप करने का भी, रोलेक्स। आज हम घड़ी लेने जा रहे हैं तो भी हम लेट हैं। दोस्तों हम एक्सप्रेस टोल जा रहे हैं वैंकूवर, एंड देयर इज नो टोल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ वैंकूवर। जिसको ये जोक नहीं पता, आपको बताया था कि हम जब टोरंटो गए थे हमारे टोल पे टोल लगे थे, $200 का टोल आ गया था दो दिन में। बहुत ही ज्यादा जिटरी फीलिंग हो रही है। आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर प्राउड ऑफ यांजू, ये फाइनली अपने लिए कुछ कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल गिव हिम द हैप्पीनेस। मैं ये सारे यंग लड़कों को, सबको ऐसे मोटिवेट करना चाहूंगी, अपने सपने भी पूरे करो। एट द सेम टाइम अपने सपने ही नहीं है पूरे करता, ये सबसे पहले अपनी फैमिली का ध्यान रखता है। जैसे रोना आ जाएगा, मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ। नहीं सच्ची, मतलब कि हमारे घर का तो चलो यहाँ पे कनाडा में तो चलो रख ही रहा है, मेरे को सच्ची इसने वो चीज गिफ्ट करी है विच आई कुडंट गिफ्ट इट टू माई सेल्फ इन लास्ट 8 years, इज फ्रीडम। मैं बिग 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 थैंक यू होती हूँ फ्यांचू को कि तूने मुझे फ्रीडम गिफ्ट करी इन कनाडा। मीन करते हैं कैमरे के, मैं थोड़ा से मैं हैवी हो रहा हूं। पागल, तेरी कसम, 9 to 5 तूने मेरी जॉब छुड़वाई है, नाउ आई एम वर्किंग विद यू, मैं पैशंस को फॉलो कर सकती हूँ, आई हैव द टाइम फॉर माई सेल्फ फॉर होम। फ्यांचू जॉब पे लगा ही था, मुझे याद है इसने कहा था कि मम्मा मैं कार ले रहा हूँ। कभी भी इसने अर्जुन मम्मा को परेशान नहीं किया। When I was 21 years old, खुद अपनी EMI पे करता था, कहता नहीं अब मैं बड़ा हो गया मम्मा, अब कुछ सेव नहीं करता था उसमें से भी। कभी इसने कुछ नहीं, इतने मंथ सेव करके कभी मेरे को कुछ ले दिया, कभी किशु दीदी के बर्थडे पे, कभी अर्जुन मम्मा के बर्थडे पे कुछ ना कुछ ऐसे गोल्ड का बनवा देता था। अपने लिए कभी इसने कोई बड़ी परचेज नहीं करी। अभी भी कनाडा आने के बाद भी इंडिया वाले घर का भी ध्यान रखता है, इसने मेंशन नहीं किया। बट अब अर्जुन मम्मा और पिताजी विद इन सिटी एग्जीबिशन करते हैं, बुटीक वगैरह करते हैं, पहले यूज टू ट्रैवल। अब फ्यांचू ने कहा कि नहीं मम्मा आई टेक केयर ऑफ यू गाइस, जितना आप पैशनेटली अपना काम करना चाहते करो, बट बर्डन नहीं लेना आपने। ही मेड इट पॉसिबल। नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई थिंक एवरी मदर डिजर्व्स अ सन लाइक यू, एवरी सिस्टर डिजर्व्स अ ब्रदर लाइक यू, एवरी वाइफ डिजर्व्स अ हस्बैंड लाइक यू। आई मीन इट एंड यू डिजर्व दिस। जब इसने सिलेक्ट करनी थी ना, ये बिल्कुल ऐसे बेस मॉडल सिलेक्ट कर रहा था, कहता मेरे को चाहिए बस, आई विल गेट दिस वन। मैंने फ्यांचू को बोला नहीं फ्यांचू जो तेरे को पसंद है तो वो ले। मुझे पहली बार तो बिलीव ही नहीं था मैं ऐसे रिटेल स्टोर से मिल जाएगी। मैं ना यहाँ पे एक क्लिप डालूंगा, आज से अराउंड पिछले साल की बात है, मैं जब रीसेलर्स के पास भी गया था ना, तब भी मैंने यही वॉच उठाई थी, और तब ये वाली वॉच लेने का प्लान नहीं था क्योंकि इतना बजट नहीं था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गया और वो ओन्ड प्री ओन्ड वॉच विच वॉज 7 years old, दे वर आस्किंग फॉर 10.7 lakhs। और जब मैं दुबई गया था तो भी मैंने यही वॉच ट्राई की थी, तो मुझे पता नहीं था कि यार फाइनली अपनी वॉच आ जाएगी। सो जब ये वैंकूवर टू टोरंटो की जर्नी शुरू की थी, जिन्होंने वो सारे व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा मैम ने कुछ कहा था कि बस वैंकूवर जाना पड़ेगा। आई वॉज इन कैलगरी एंड किसी एक यूजर ने कॉमेंट भी किया था मे बी इट्स रोलेक्स, ठीक है सॉरी यार मैंने आपका कॉमेंट लाइक नहीं किया था, मैं ऑब्वियस नहीं क्रिएट करना चाहता था। हम कैलगरी में थे, रोलेक्स वालों ने हमें लिटरली बता रहा हूँ लेस देन 24 आवर्स दिए थे, कि ये बोला था कि भाई अगर आप नहीं ले रहे 24 घंटे में, अगर आप शोरूम में नहीं हो हम कहीं और सेल कर देंगे, क्योंकि इसकी तो लाइन लगी होती है, कोई बिक जाएगी, हम नहीं वेट करेंगे किसी का भी। मैं इसको कह रहा हूँ कैलगरी से, मैं कीरत रातों रात में गाड़ी वापस भगा रहा हूँ, पहाड़ में गया रोड ट्रिप मैं कर रहा हूँ। बिग 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 शाउट आउट एंड थैंक यू सो मच टू कीरत फ्रेंड नीतू। नीतू को रिक्वेस्ट करी, बड़ी पेमेंट है आप जाके पेमेंट कर दोगे यार, अगर नीतू ना होती अभी पिक्चर में तो ये पॉसिबल ही ना होता। पार्किंग कर ली है, फाइनली आ गए हम रोलेक्स के शोरूम के बाहर। पानी
दोस्तों वॉच आने वाली है, पिशी एक्साइटेड? रोलेक्स शूज। तो ये पड़ी तुम्हारी भाई की घड़ी। I'm so happy for you. I can't believe it, honestly. Guys, वो ना अंदर गए हैं और वो वॉच के लिंक्स छोटे कर रहे हैं मेरी रिस्ट के हिसाब से। दोस्तों मेरे लिए भी कुछ मिला है, रोलेक्स चॉकलेट्स। भाई साहब ने पहन भी लिया है। दोस्तों एक्चुअल अनबॉक्सिंग क्या क्या मिला डब्बे में ये आपको कीरत बताएगी अपने चैनल पे, तो प्रॉपर अनबॉक्सिंग देखने के लिए कीरत का चैनल देख लेना। यस ठीक है, कौन सा मॉडल है, क्या है, ए टू जेड कीरत अपने चैनल पे शेयर कर देगी। अभी चलते हैं गाड़ी में, सामान रखते हैं। आई एम लविंग इट, सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। पूरे मैच कर रहे तेरे जूतों के साथ, सोच कर आया था? नॉट रियली, नॉट रियली। दोस्तों मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको खुश देख के, अब ये मेरे को नहीं कह सकता तू ऐसे फालतू पैसे पटती है। इसकी सर्विस होती है बाय द वे 10 साल बाद $1,500 की। तो पिशी मेरे को बिठा रहा है, बारिश हो रही है इसलिए। व्हाटएवर द रीजन इज, माय हस्बैंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू। वॉच में येलो कलर का कुछ भी देख रहे हो, बेजल, ये क्राउन या अंदर का कुछ भी, एवरीथिंग इज ऑफ गोल्ड। My first Rolex, यार। अरे लिया तूने? I can't believe it. So, big thank you to you. Without your motivation, without your support, it couldn't be possible. Honestly. You deserve it. Thank you so much, भगवान जी, मेरी बीवी इतनी तगड़ी पैसे पटने में चैंपियन है। उसने मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मैं उस चीज में पटती हूँ जिसमें मेरे को वैल्यू दिखती है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात कहूँगा कि कहीं पूछेंगे कि भाई कब से ऐसे वाले शौक है, क्लासीनेस का भाई पहले से थी, वो तो गरीबी ने रोक रखा था। मैं बस दोबारा से यही कहूंगा गाइस, मोटिवेटेड रहो, काम करो, भी लेवल पे तुम हो उससे सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, बट और आगे देखो कि अगर तुम्हारे अंदर और कैपेसिटी है तो उसको अचीव करो, टारगेट बढ़ाते जाओ, वो कंफर्ट जोन की वजह से एक जगह पे स्टिक मत रहो। दैट्स माय ओनली एडवाइस। तब प्रिटी लग रहा है दोस्तों, देखो फॉल आ गई है, पत्ते सारे झड़ रहे हैं, विंटर इज कमिंग। दोस्तों पहले थोड़ा गलत गाना डेडिकेट हो गया था, असली ये गाना है। बाय द वे मैं पिछले 1.5 महीने से सबको अपने इंस्टाग्राम पे हिंट दे रहा था, मैं हर जगह यही गाना लगा रहा था, ठीक है, और लोग बोल रहे थे फियांची इज ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वो। नहीं दोस्तों मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा था। आपकी ब्लेसिंग में कुछ रहा होता। थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, देवी देवताएं, थैंक यू सो मच हमारे ऊपर ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना, आपको हमेशा प्राउड फील करवाए, हम अपना हार्डवर्क जारी रखेंगे, आप बस अपनी ब्लेसिंग रखना। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही रखना हमारे ऊपर, हमें अपना प्यार देते रहना। अगर यूट्यूब एक दुकान है, ग्राहक सब्सक्राइबर है, ग्राहक भगवान है, प्लीज। बाबू आज कॉपीराइट आने दे। कह सकता हूँ हैप्पी बर्थडे टू फियांशु शर्मा। हैप्पी बर्थडे फियांशु शर्मा, हैप्पी एडवांस बर्थडे। अब हम जा रहे हैं सुशी खाने। दोस्तों अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा जहाँ पे मेघा ने फियांशु का 5 ईयर्स पुराना नोट संभाल के रखा हुआ था, उसपे सारी चीजें तो बोल दी थी, एक चीज नहीं बोली थी, दैट वॉज ही रोट आर इन इट, आर ऐसे लिखा हुआ था ना फिश आर, दैट मेंट रोलेक्स। सो इसने ये चीज भी 5 साल पहले ऐसे मैनिफेस्ट की थी, दिस इज माई 5 ईयर्स गोल। प्लीज कोई नजर मत लगाना, हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया इसके लिए, प्लीज प्लीज आपको भी ब्लेस करे बाबा जी, आपकी भी सारी विशेस पूरी करें, बस नजर मत लगाना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, हमारी बाकी व्लॉग्स भी देख सकते हो, एंड हमने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया दिस ईयर, सो जाकर वो ट्रैवल सीरीज देख सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अभी लाइक कर दो यार इस वीडियो को, और अगर एंड तक नहीं मैंने बोलना लाइक करके जाना, अभी लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना फॉर फिशी। और अगर आप नए हो चैनल पे, मैं ये भी बताया तो मैं करता क्या हूं, सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरी अपनी कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी, कुकू भी मेरे साथ काम करती है, तो हम पूरा घर एक ही गोल के पीछे चल रहा है, कंपनी चलाने का, और साथ साथ हमारा YouTube पैशन जिंदाबाद। दोस्तों हम खाने आए अपनी फेवरेट सुशी टू सेलिब्रेट मित्रा दी बोली चेकर, चीयर्स कर रहे हैं, ग्रीन टी से ग्रीन टी, किसी ने अपनी फर्स्ट वॉच पहन भी ली है। देखा कैसे टाइट कर दिया, हॉट ही लग रही है अपने पति की मार के आई जनरेशन को क्या पास करना इसी जनरेशन।
ये देखो भाई यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है वेजिटेरियन, चीज यैम एंड एवोकाडो, देखो कितना नाइस है, सारा वेज है, इतना बढ़िया था ना यहाँ पे। बट जब भी आप आओ वेज में है वेजी ड्रैगन रोल, ये वाला डेफिनेटली ट्राई, सुपर गुड। चले घर, बहुत काम पड़ा है दोस्तों। दो घर जाके काफी वर्क करना है कुका ने, फिशी तो आज थोड़ा सा रिलैक्स लेगा। नहीं, मैंने भी काम करना है भाई। घर आज तू रिलैक्स रहे, काम करके ही घड़ी आई है, सो काम तो करना है। और ओ भाई भैया पचोतरी मारने आ रहे हैं, वैसे उसके एक्सप्रेशन थे, वो मारने जा रहे बाबू। हाँ दोस्तों ये ईस्ट टेस्टिंग है, बहुत ऐसे होमलेस लोग रहते हैं स्ट्रीट पे, यहाँ पे कभी बस में भी स्टॉप आए कभी भी मत रुकना, वेरी डेंजरस स्ट्रीट। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे को रिस्पेक्ट करता है तो एक अलग ही खुशी होती है, प्यार तो देखो होता ही है। सच्ची बता रही हूँ कि जैसे तू फील करता है अबाउट योर मदर, अबाउट योर सिस्टर, अबाउट मी, कह रही हूँ अगर सारे ऐसे हों वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। स्टैंड लेना होता है तो स्टैंड लेता है, बड़े प्यार से हम सबको समझाता है, जैसे आई नो आई कैन गेट, मतलब के वेरी की कह लो, कई बार मैं भी अड़ जाती हूँ और फ्यांचू वहाँ पे लगे अपना मेरे को समझाता है पॉइंट ऑफ व्यू। गेट्स हार्ड एंड हीट ऑफ द मोमेंट, आई हैव सीन पीपल लूजिंग कंट्रोल, वो अपना बहुत ज्यादा मतलब कैसे कंट्रोल में रह के समझाता है। मैंने देखा है तू मम्मा को भी ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी कह रहे हैं ये मान जाता है, नो 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 नो, ये अपना मतलब के पूरा टाइम लेता है, चाहता है बहुत रिस्पेक्टफुली। आई कैन बिलीव शी आर सेइंग दिस। किशु दी के साथ तू नजायज करता है, किशु इज माय बड़ी बहन, माय मम्मी, माय छोटा बेबी आल्सो, प्यार बहुत करता है, आई लव टू सी देम बोथ चेरिशिंग देयर रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, बट फिशी इतना ऐसे वो हो जाता है, एल्डर ब्रदर जैसे बिहेव करता है, किशु दी एल्डर है। ऐसे नहीं किशु, मेरे को पता मैं जो तेरे को समझा रहा हूँ तो सुन। बस टाइम नहीं है मेरे पास, मैं काम कर रहा हूँ, बाय। दोस्तों मंदिर आएंगे थैंक यू कहने के लिए, बट एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है, स्पेशली एबल लोगों के लिए ये चेयर है, आप इस पे बैठ सकते हो और ये आपको ऊपर तक ले जाएगी चेयर से। दिस इज अनबिलीवेबल, मैंने पहली बार देखी है। हाँ मैंने देखी है ये पहले भी। वाओ सो नाइस। नवरात्रि स्पेशल भी है, 22 अक्टूबर तक 14 से स्टार्ट होएगा, नॉन स्टॉप लाइव म्यूजिक। दोस्तों घर आ गए थे, कीरत तो सो गई थी, मैं काम कर रहा था बैठ के, और मैंने कीरत को अभी उठाया, बोला कि उठ के अपना पेंडिंग काम कंप्लीट कर, कहती आज फिर से छुट्टी ले लूं मैं। प्लीज यार लॉन्ग वीकेंड है। और मैं आपको एक बात जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अभी तक अपनी घड़ी नहीं उतारी। कुछ चल रहा भाई, मैं तो घर में घड़ी पहन के घूम रहा हूं। मैंने अपनी पुरानी घड़ी पहनी जिसका डायल सेम वैसा सा है, वहाँ पे रोलेक्स वाला बंदा कहता ओ नो नो दिस इज मेंस वॉच, वुमेन नहीं पहन सकती, मैंने कहा लाइक बिग डायल, तो ये देखो क्या प्यार। घर आके मेरे को बोल रही है कि तेरा डायल मेरे पे सूट करेगा। ये घड़ी मैंने इतनी पहनी अपनी वाली फॉसिल की है ये, और इसका डायल तो मेरे पे फॉर श्योर सूट करेगा। क्या मेंस वॉच, मेरी चेन का टांका टूट गया। कैसे लॉक नहीं होता जो? हाँ। ये ना वो तो ऑलरेडी वो था जाएं? हाँ जैसे मैंने ऐसे मोड़ा खोलने के लिए टक देके टूट गया। हाँ। ये दिख रहा था? हाँ, हाँ। ज्यादा बेंड नहीं हो गया था? हाँ। तो मैंने इसको खोला, ऐसे ऊपर को किया। तो खोलती बंद करती भी बहुत बार है ना। चल कोई इसको संभाल के रख ले, अभी गोल्डी है, जब इंडिया जाएंगे तब करेंगे, यहाँ से तो नहीं करवाएंगे, यहाँ तो वैसे ही लूट लेंगे। किंग चार्जेस, आई कांट वेयर माय के लॉकेट एनीमोर। और ये जो तो अपनी फसल की घड़ी पहन के उतार दे इसको, घर में एक ही गुंडा होगा, वो गुंडा ये है। ये मैंने इतनी घड़ी को तू ज्यादा नहीं आज तक नहीं से पहनी थी, वापस निकाल के ले आई। अरे मैं भी पहनूंगा आपसे, एप्पल वॉच को मैंने रखती है। एप्पल वॉच पहन चुपचाप, बाबू सोचिए वो भी नहीं बताती तेरा हार्ट बीट कितनी तेज है, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बाबू, ये मेरा वक्त बता रही है, वो तेरा वक्त बता रही है। इतनी नेल्स कटवा के इतनी तगड़ी हथियारी बन गए, ऐसे उंगली मार के निकाल देते लेंस, राइट में निकाला है अभी, पता लगे लेफ्ट वाला राइट में डाल दे, राइट वाला लेफ्ट में, देखो वो सीखना पड़ेगा तुझे। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, बाई चांस इधर उधर कहीं गई हुई हूँ, कहाँ जाएगी अगर तू नहीं है मेरे आसपास, तो मुझे नहीं देखना इस दुनिया को। बहु कभी ना कभी तो ऐसे पहनना हो, अगर सपोज कर बैचलर ट्रिप पे जाने से हेज के, हाँ। मेरे को तो तू लेके नहीं जाएगा, ठीक है, फिर तुझे पहनने भी होंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे कैसे करेगा? नहीं देखूंगा मैं खूबसूरत हसीनाओं को, इट हैज अ ड्यूअल बेनिफिट, पता है तू कुछ आगे को सिखा देगा। और 99
में से कुछ आगे सीख के डाल भी देगा, कह रहे भाई भरोसा रख मेरे पे, मैं डालता हूँ अंदर। कह रहे क्या तेरे भाई है ना। दोस्तों पहनेंगे वापस से स्पेक्स। चिच्चड़ बच्चा का है ले देखे क्या था फिशी, छुट्टी छुट्टी आज छुट्टी। दो तीन ईमेल्स कर दिए सबको काम अगर लगा दिए। अगर ईमेल करना काम हुआ ना उंगलियां तोड़ दूंगा मैं सबकी, मैं बता रहा हूँ। कैंपेन डिजाइन भी कर रहा हूँ। कैंपेन डिजाइन कर रहा हूँ पक्का। एक घंटा थे बस, रूटीन से बड़ा कुछ नहीं। बस एक घंटे में कर। दोस्तों अभी हम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि मैं यार अगर अब 10:30 तक नहीं सोएंगे, अभी 9:30 हो रहे हैं ना, अभी 9:45 हो रहे हैं। अगर रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे जल्दी नहीं उठेंगे, फिर वो डोमिनो इफेक्ट होता है और सब खराब हो जाता है। तो जो मर्जी है, काम हुआ है नहीं हुआ, भाई सो जाओ चुपचाप, सुबह जल्दी उठो, अपना अलार्म लगाओ 6 बजे का, मैं ही तेरे को उठते हो पट्टी पहुंचाऊंगा तेरे। क्या कर रही है, खाना खाना है या पेट भरा हुआ है? मैं सोच रही थी दाल रख दूं। क्या सोच रही थी, दाल रख दूं? दाल खाएगा? ज्यादा क्यूट मत बना कर की रे, ज्यादा क्यूट ना बना कर। कुछ नहीं किया, लपड़ ऐसे पड़े हैं। सेलिब्रेट करते ना आज तेरी रोलेक्स। दाल खा के? दाल और रोटी खाएंगे। खीर तो हम हमेशा खाते रहते हैं, दाल कभी कभी खाते हैं। तू दाल बनाए, मैं चिकन खा लूंगा और तेरी ये वाली दाल मैं कल यूज कर लूंगा पैर को लंच में। का सारा डिनर गाइस कुकू की तरफ से, सिरके वाले प्याज अचार। ओए होए होए दोस्तों, हेल्दी हेल्दी खाना, चावल, क्या बात है कुकड़ी। मेरे गुगले, मेरे चुगलू, मेरे स्मॉल बेबी। और गाइस मेरी बीवी को पता है कि मुझे पनीर कितना पसंद है, तो पनीर कद्दूकस कर रही है साथ। ये ले, चल, इतना सही बहुत है बाबू, बस ज्यादा नहीं, पनीर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, कल भी खाया था पनीर तो बहुत ही स्वाद। थैंक यू सो मच मेरी बेबी, लव यू। और हम देख रहे हैं वहाँ पे यंग शेल्डन। दोस्तों घर कर लिया सेट, बर्तन रख दिए डिशवॉशर में। क्या करते हैं आपको, गुड नाइट, बाय बाय। जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। कांग्रेचुलेशंस कह सकते हो मुझे, एडवांस पे बर्थडे भी विश कर सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पे तो मेरा नाम है फियांशु, मैडम का नाम है किरण। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू।